नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी नरेश शर्मा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रदेश के 3 संभागों जयपुर, अजमेर और उदयपुर को बड़ी सौगातें देते हुए 1000 करोड़ से अधिक प्रोजेक्ट के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए इस कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने 1038 करोड़ रुपए के 47 प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, जबकि 294 करोड़ रुपए के 21 प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया, यानी कुल 1332 करोड़ के 68 प्रोजेक्ट का शिलान्यास व लोकार्पण हुआ। इस कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्य सचेतक महेश जोशी, विधायक अमीन कागजी सहित विभाग के अधिकारी और कई कर्मचारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मौके पर कहा कि भले ही कोविड के कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन इसके बावजूद विकास के काम नहीं रुकेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों से कहा कि जितने भी काम प्रदेश के विकास के लिए हो सकता है उसके लिए तुरंत प्रोजेक्ट तैयार किया जाए। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास से एक अन्य कार्यक्रम में द सिल्वर लाइनिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी पर वेबिनार का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि अब राजस्थान पहले जैसा नहीं है, अब मरुस्थल नहीं, यहाँ हरियाली दिखती है। उन्होंने वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल से चर्चा करते हुए कहा कि राजस्थान में सिल्वर के काम को और बढ़ोतरी देनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान एक बड़ा उत्पादक राज्य बन सकता है। इस बारे में जल्द ही एक बड़ा कार्यक्रम कोविड के बाद जयपुर में होगा। देर शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर मंत्रियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों की अहम बैठक बुलाकर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में एक जन आंदोलन चलाने की रूपरेखा को तैयार किया। अब प्रदेश में मास्क लगाओ अभियान शुरू किया जाएगा और विभिन्न संस्थाओं को भी इससे जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री का मानना है कि अब जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक मास्क ही लोगों को कोरोना से बचाएगा। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि शर्मा। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज लेक सिटी के बाशिंदों को विकास की सौगात दी। मुख्यमंत्री गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 17 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन तमाम कार्यों का कुल बजट 61,77,00,000 रुपये है। इन कार्यों से लेक सिटी उदयपुर के विकास को नए आयाम मिलेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज लेक सिटी उदयपुर के बाशिंदों को विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री गहलोत ने वर्चुअल माध्यम से उदयपुर में कुल 17 कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 61.77 करोड़ रुपये की लागत के इन प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें UIT स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत हुए कार्य और RUIDP प्रोजेक्ट के विकास के कार्य शामिल हैं। उदयपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान उदयपुर शहर विधायक और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, निगम के महापौर GS टाक, नगर विकास प्रन्यास के सचिव अरुण कुमार हसीजा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने साफ किया कि इन लोकार्पण और शिलान्यास कार्यों से शहर के विकास को नए आयाम मिलेंगे। तो वहीं दूसरी ओर उदयपुर अंचल में जारी तनाव और उपद्रव के बाद आज पहला दिन शांतिपूर्वक गुजरा। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर यातायात सुचारू हुआ तो उदयपुर जिले में कहीं भी किसी भी तरह की अप्रिय वारदात की सूचना नहीं मिली। इसके अलावा डूंगरपुर जिले में तमाम अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने अपने नुकसान की भरपाई के लिए जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी राजीव को। पंचायत राज चुनाव के चलते गांवों की सरकार बनाने के लिए आज प्रथम चरण के मतदान हुए। सबसे बड़ी बात यह रही कि कोरोना काल के बावजूद ग्रामीणों में मतदान के प्रति खासा उत्साह देखा गया। चाहे उम्र के लिहाज से 90 और 95 साल की महिला या पुरुष हो, या फिर कोई विकलांग हो, या अस्पताल में भर्ती रहने के बाद पूरी तरह से ठीक नहीं भी हो,
वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे। जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह और पुलिस कमिश्नर जोश मोहन के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में SP राहुल भारत लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। तो शहरी इलाकों के अंदर DCP धर्मेंद्र सिंह और आलोक श्रीवास्तव लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। यही नहीं, लोहावत के फतेहगढ़ इलाके में दो गुटों के आमने सामने होने के बाद में एक पुलिस की गाड़ी पर पथराव भी हुआ, जिसमें किस प्रकार की जनहानि तो नहीं हुई मगर कुल मिलाकर के कुछ देर के अशांति बाद में स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया। इसी तरह छुटपुट शिकायतों को छोड़कर चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहे हैं। कई तरह की शिकायतें आई थी जिनको हाथों हाथ जिला प्रशासन ने दूर करने की कोशिश की। तो वहीं परंपरागत अनुसार महिलाएं उसी परिधान और खूब सारा जेवर पहन करके मतदान केंद्र पहुंची। 5 साल में एक बार होने वाले इस चुनाव को लेकर के जो उत्सव ग्रामीणों में देखा गया है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। अभी 3 चरण बाकी हैं। कुल मिलाकर अगर प्रतिशत की बात करें तो ओवरऑल 84% के लगभग मतदान का प्रतिशत रहा है। और सबसे अधिक प्रतिशत की बात करें तो फलौदी में और उसके बाद में लोहावट में प्रतिशत 92 और क्रमशः 91% रहा है। अब देखना यह है कि बाकी जो 3 चरण है उसमें किस तरह का उत्साह सामने देखने को मिलता है, क्योंकि आज तो जिस तरीके से चाहे सैनिटाइज की बात करें, चाहे मास्क की बात करें, चाहे गैप की बात करें, कई जगह हालांकि दर्जियाँ भी बिखरती नजर आई और लेकिन लोगों ने कोशिश भी की, जिला पुलिस प्रशासन ने भी पूरी कोशिश की कि कोरोना की जो गाइडेंस उसके चलते चुनाव संपन्न हो सके। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी संजय पारिक। गाँव की सरकार चुनने के लिए आज प्रथम चरण में बीकानेर जिले की पुगल पंचायत समिति की 37 ग्राम पंचायतों में चुनाव हुआ। मतदाताओं ने उत्साह के साथ मतदान करके पंच और सरपंच चुने। युवाओं ने उत्साह के साथ मतदान किया और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। 85% से अधिक मतदान इस दौरान हुआ। मतदान के दौरान कोरोना एडवाइजरी की भी पूर्णतया पालना की गई। इस दौरान मतदान केंद्रों पर प्रवेश करने से पहले वोटर्स की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और उनके हाथ सैनिटाइज करवाए गए। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल घेरे भी बनाए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता और SP प्रहलाद सिंह करसनिया ने भी करणीसर भाटियान के मतदान केंद्र पर पहुंचकर निरीक्षण किया और कोरोना एडवाइजरी की पालना को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं कोरोना काल में भी मतदाताओं में मतदान के लिए उत्साह देखने को मिला। अल सुबह से ही मतदाताओं की कतारें देखने को मिली। युवाओं के साथ महिलाओं और बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़ कर मतदान किया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज प्रथम चरण में पुगल पंचायत समिति की 37 ग्राम पंचायतों के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का, यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी शुभम जैन। अजमेर नागौर और भीलवाड़ा में संपन्न हुए पंचायत चुनाव। वहीं पंचायत चुनाव के बाद ही खुल गई पेटियां, नतीजे भी आए सामने। अजमेर जिले में आज कोरोना महामारी के बीच पंचायत चुनाव आरंभ हुए, जिसमें अजमेर ग्रामीण की पंचायत समिति की 2 ग्राम पंचायतों में तो वहीं केकड़ी पंचायत समिति की 22 ग्राम पंचायतों में मतदान हुआ। अजमेर जिले की अजमेर ग्रामीण और केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में 24 ग्राम पंचायतों में सरपंच व पंच पद के लिए शांतिपूर्ण मतदान हुआ। वहीं नागौर की 2 पंचायत समितियों की 77 ग्राम पंचायतों में 81.23% मतदान हुआ, तो भीलवाड़ा की 2 पंचायत समितियों में 20 ग्राम पंचायत में भी 81.72% मतदान हुआ। अजमेर ग्रामीण की 2 ग्राम पंचायतों के साथ केकड़ी पंचायत समिति के अधीन आने वाली 22 ग्राम पंचायतों में काफ़ी प्रत्याशी मैदान में रहे। वहीं गांव की सरकार का चयन करने के लिए मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें भी देखने को मिली। मतदान केंद्रों पर पुलिस भी मुस्तैद नजर आई और नो मास्क नो एंट्री पर भी जोर दिया गया। साथ ही बिना मास्क किसी को भी मतदान केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया गया। जिले की 24 ग्राम पंचायतों के लिए सरपंच व पंच पद के लिए मतदान हुआ। मतदान के लिए बूथ केंद्रों पर लंबी कतारें भी देखने को मिली। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होती हुई नज़र नहीं आई, लेकिन नो मास्क नो एंट्री पर जोर दिया गया। साथ ही पुलिस की इन कोरोना की गाइडलाइन के तहत 2 गज दूरी बनाकर मतदाताओं को खड़ी करने की पूरी कोशिश की। वहीं बात करें केकड़ी की तो केकड़ी क्षेत्र में कुछ कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने भी PPE किट पहनकर मतदान केंद्रों पर पहुँचे और उन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग किया। वहीं शाम 5:30 बजे तक अजमेर जिले में 24 ग्राम पंचायतों में 42% से अधिक मतदान हुआ। छुटमुट घटनाओं के चलते संपन्न हुआ चुनाव। तो वहीं केकड़ी के अंदर पॉजिटिव मरीजों ने भी किया मतदान। कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का रखा गया पूर्ण तरीके से ध्यान।
और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक लवानी। भरतपुर जिले की कामा पंचायत समिति की 17 ग्राम पंचायतों में आज पंच व सरपंच पद के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए और लगभग 87.40% मतदान आज हुआ है। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की भी पूरी पालना मतदाताओं को कराई गई। मतदान के लिए पोलिंग बूथों पर सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की लंबी लाइनें नजर आने लगी और वोटरों को बिना मास्क लगाए मतदान केंद्रों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। मतदान केंद्रों पर इस बार सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई थी और वोट डालने आने वाले व्यक्ति को उंगली पर स्याही लगवाने से पहले हाथ सैनिटाइज कराए गए। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल व SP डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर ने भी पूरी चुनाव प्रक्रिया पर नज़र बनाकर रखी और दोनों ही अधिकारियों ने कई पोलिंग बूथों का भी निरीक्षण किया। मेवात इलाके के कामा पंचायत समिति की 17 ग्राम पंचायतों में मतदान शांतिपूर्वक होने से जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। मतदान के बाद चुनाव परिणाम भी सामने आने लगे हैं और पहला परिणाम झील पट्टी ग्राम पंचायत से आया, जहां राहिला खान ने 484 मतों से चुनाव जीता है। दूसरा परिणाम कनवाड़ा से आया, जहां लक्ष्मी देवी जीती हैं। साथ ही ग्राम पंचायत पाई से नीरज, ग्राम पंचायत सोनोखर से फूलमती, ग्राम पंचायत विलक से कम्बो बेगम ने बाजी मारी है। बोलखेड़ा से रामवती, नौनेरा से संता देवी सरपंच चुनी गई हैं। मतदान के दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे और कामा का पूरा ग्रामीण इलाका आज पुलिस छावनी में बदला हुआ नजर आया। पोलिंग बूथ पर 1 दर्जन से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी भवर एचआर। UDH मंत्री शांति धारीवाल की पहल ला रही है रंग। कोटा में कल ही शुरू हुई प्लाज्मा हेल्प डेस्क से अब जुड़ गई है भारतीय सेना भी। आज भारतीय सेना के 8 जवान और अधिकारी प्लाज्मा डोनेट करने के लिए पहुंचे और इस दौरान 4 पुलिसकर्मी भी पहुंचे। कुल मिलाकर आज कोटा में एक ही दिन में 1 दर्जन प्लाज्मा डोनर अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए सामने आए हैं और इस दौरान MBS ब्लड बैंक के बाहर खूबसूरत तस्वीरें भी देखने को मिली, जब खुद DIG रविदत्त गौड़, कोटा कलेक्टर उज्जवल राठौड़, CMHO डॉक्टर BS तंवर, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विजय सरदाना और MBS अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर नवीन सक्सेना इन पर फूल बरसाने के लिए पहुंचे। इस दौरान कार्यक्रम के संयोजक राजेंद्र सांकला ने कहा है कि आगे भी प्लाज्मा डोनेशन का अभियान लगातार जारी रहेगा। वही भारतीय सेना की तरफ से भी इस मौके पर यह कहा गया है कि सेना इस सामाजिक काम में और खासकर इस महामारी से जंग में समाज की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। आपको बता दें कि विदेश मंत्री शांति धारीवाल के प्रयासों से कुछ दिनों पहले ही कोटा मेडिकल कॉलेज को 50 वेंटिलेटर मिले थे और कोटा मेडिकल कॉलेज प्रदेश के उन चुनिंदा मेडिकल कॉलेजेस में शामिल है जिन्हें प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों के उपचार की इजाज़त मिली हुई है। ऐसे में इस प्लाज्मा डोनेशन कैंप से और प्लाज्मा डोनेशन बैंक से अब कोटा में कोरोना से लड़ने में संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी, ऐसा आत्मविश्वास कोरोना वॉरियर्स में आ रहा है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे